दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एप्पल कंपनी के बारे में। आईफोन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। यह दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने यह मुकाम हासिल किया है। कोरोना काल में भी कंपनी के शेयरों में 3 गुना का उछाल देखने को मिला था। इस मार्केट कैप के साथ यह जर्मनी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन गई है। आपको बता दें कि एप्पल कंपनी का मार्केट कैप पहले ही भारत की नॉमिनल जीडीपी से अधिक हो चुका है। वॉलमार्ट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, नाइकी, एक्सॉन मोबिल, कॉमकॉस्ट, मॉर्गन स्टैनली, मैकडॉनल्ड्स, NTT, गोल्डमैन सैक्स, बोइंग, IBM, फोर्ड जैसी दुनिया की बड़ी दिग्गज कंपनियों का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया की इन सभी दिग्गज कंपनियों को मिला देंगे तो भी एप्पल कंपनी के मार्केट वैल्यू इनसे कहीं ज़्यादा है। यह दुनिया की पहली ऐसी पब्लिक ट्रेड कंपनी है जो इस मुकाम तक पहुंचने में सफल हो सकी है। साल के पहले कारोबारी दिन एप्पल के शेयर दोपहर की ट्रेडिंग के दौरान 182.88 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गए थे। पिछले साल के अंतिम कारोबारी दिन यह 177.57 अरब डॉलर पर बंद हुआ था। कोरोना काल में भी कंपनी के शेयरों में 3 गुना की तेजी देखी गई थी। मार्च 2020 में यह 51.78 डॉलर पर था, लेकिन जुलाई 2020 में यह 13 अंकों तक पहुँच गया था। साल 1976 में कैलिफोर्निया में एक गैरेज में शुरू हुई यह कंपनी 3 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। एप्पल ने अगस्त 2018 में 1 ट्रिलियन डॉलर का जादुई आंकड़ा छुआ था। उसे यह उपलब्धि हासिल करने में 42 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा। इसके साथ ही 2 साल बाद कंपनी की वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई, जबकि अगले ट्रिलियन यानी 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को सिर्फ 16 महीने और 15 दिन ही लगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।